हेलो दोस्तों, मैंने आपकी डिमांड पे 15 वीडियो का ड्राइंग बेस एप्टीट्यूड कोर्स बनाया है। जी मेंस नाटा में जो आने वाले 3 टॉपिक्स है उस पे ये वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इजी मार्क्स आपको मिल सकते हैं और ये मार्क्स में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो ये वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाएं, ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम टॉप व्यू देखने वाले हैं। तो उसका जो रूल मैंने बनाया है वो अगर आप ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे, तो शायद आपको बेनिफिट हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक फिगर ली है, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया है और उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह टॉप व्यू देखना चाहिए। उसका रूल मैंने जो बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, टॉप व्यू ये अगर अपने को देखना है तो जो ब्लॉक दिया है साइड व्यू का, तो उसके टॉप से हमें जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम टॉप देखते हैं। ये सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है, जो शेप्स है, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद वाला जो है उसके नीचे जो आएगा, तो ये एक पोर्शन है, यहाँ पर ये दिख रहा है। अभी थर्ड जो है वो हम देखते हैं। अभी यहाँ स्लैंटेड पोर्शन जो दिख रहा है, शेप जो दिख रहा है, तो वो हम देखेंगे। तो ये स्लैंटेड जो है ये पोर्शन टॉप से थर्ड पे आता है। अभी फोर्थ हम देखेंगे, ये जो शेप सबसे नीचे वाला है यहाँ पे, ये हम देखेंगे। तो ये शेप देखते समय हमें ये लाइंस भी देखने हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये इस साइड में आई, ये यहाँ पर आई और ये स्ट्रेट है। यहाँ पे गैप है थोड़ी और फिर इधर इसको ये टच है ऐसी। तो ये शेप देखिए, ये ऐसा 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 इस तरह ये दिखेगा। उसके बाजू वाला जो है ये रेक्टेंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कोई गैप नहीं है, ये प्लेन रेक्टेंगल है। लेकिन ये वाला जो है इसमें यहाँ पे ये ऐसी गैप है। तो ये शेप ध्यान में रखना है। अभी लास्ट जो अपने रूल में देखना है कि इसमें गैप कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ये गैप नज़र आ रही है। ऊपर से ये पोर्शन जो है ये इस तरह दिखेगा ये। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि ऊपर से नीचे नीचे जाना है। अभी इसमें एक बात और भी है कि जो स्लैंटेड शेप जो है वो जितना यहाँ पे बड़ा दिखता है, लेकिन एक्चुअली टॉप से अगर देखेंगे तो उसकी साइज़ थोड़ी कम हो जाती है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ये रूल आपको समझ में आया होगा। इस तरह अगर देखेंगे तो जल्दी अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। जो ऑप्शन दिए उसमें आंसर हम जल्दी समझ सकेंगे। तो अभी प्रॉब्लम की तरफ चलते दोस्तों। ये प्रॉब्लम हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। नीचे ऑप्शन दिए A B C D, तो ये टॉप व्यू कैसा दिखेगा इसका मैंने आपको पहले ही
एक रूल बताया था, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो देखो, ऊपर से हम देखेंगे ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये दोनों भी सेम पार्ट हैं। लेकिन अगर हम अभी जो देख रहे हैं जो ब्लॉक, तो यहाँ हमें ये ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन नहीं है। जितना ये पार्ट है, जितना ये पार्ट है, उतना ही ये वाला पार्ट आएगा सेम, ये भी उतना ही आएगा। तो मतलब कि ये यहाँ पे कितने पार्ट हो गए, ये 1, 2, 3, तो तीन पार्ट, सॉरी चार पार्ट, ये एक छूट गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4, तो ये चार पार्ट सेम हमें नज़र आएंगे रेक्टेंगल। तो अभी ये चार पार्ट हमें नीचे जो ऑप्शन है उसमें कहाँ दिख रहे हैं, ये हम देखेंगे। देखो, इसमें ये वाला पार्ट बड़ा है तो ये कट हो गया, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया है तो वैसा नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। अभी सी जो है, ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों भी सेम हैं, मतलब ये अपना ऑप्शन है। ये बी के जैसे ही डी यहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर सी। दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, अभी जो अपना रूल है उस हिसाब से हम देखते हैं। ये ऊपर का जो ब्लॉक है छोटा वाला, ये स्क्वायर है, इसका शेप स्क्वायर है। अभी उसके नीचे का जो है ये, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साइड की जो गैप है, स्पेस है, वो और ये साइड का स्पेस सेम है, और ये साइड और ये पीछे की जो साइड है ये ब्लॉक के, ये स्पेस सेम है, मतलब कि ये थोड़े बड़े हैं और ये थोड़े पतले हैं, छोटे हैं। तो अभी उसके नीचे का जो है उसके तरफ देखते हैं कि यहाँ ये दो स्लैंटेड है, उसके बीच में गैप है ये, और उसके नीचे अगर देखते हैं तो ये स्ट्रेट और यहाँ पे गैप है, मतलब कि ये पार्ट इस तरह नज़र आ रहा है। तो इतनी चीज़ें हम अगर हमारे नीचे जो दिए हुए ऑप्शंस है उसके उसमें देखेंगे, तो पहला जो हमने देखा फर्स्ट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये जो साइड के जो है ये, इसकी गैप कम है और ये और इसकी गैप ज़्यादा है, तो ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। ये वाला पार्ट जो गैप है ये, तो यहाँ पर भी गैप है और ये भी सही है। स्लैंटेड जो है, यहाँ पे दो स्लैंटेड दिए हैं, वो भी दिख रहे हैं, वहाँ पर भी गैप है, ये यहाँ पर भी गैप है, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। अभी नेक्स्ट बी के तरफ चलते हैं। देखो, बी में सब सेम दिया है, मगर ये जो स्लैंटेड जो लाइन यहाँ दी है, यहाँ पे एक लाइन ऐसी आ गई है यहाँ पर, तो ये लाइन नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ कट होता है, या तो ये भी लाइन नहीं है स्ट्रेट वाली, ये ऑप्शन हमारा यहाँ ही कट होता है। नेक्स्ट जो है सी, उसमें यहाँ पे एक जो गैप है वो लाइन स्ट्रेट दी है, मतलब यहाँ गैप नहीं दिखाया है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ कट होता है। डी जो है, वहाँ स्लैंटेड लाइन के पास ये लाइन दी है और ऐसी भी लाइन यहाँ दिख रही है, तो ये भी ऑप्शन अपने प्रॉब्लम में नहीं है, यहाँ पर वो दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ कट होता है। तो दोस्तों, हमारे पास आंसर मिल गया है ए, जो अपना ऑप्शन में जो दिए थे उसमें से ए ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
हेलो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने दिया है इसका आंसर आपको ए बी सी डी इसमें से जो भी ऑप्शन है वो आपको देना है। और ये सारे वीडियो आपने जो देखे उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर आपके कमेंट्स देना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। जो मैंने रूल्स बताए उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपके ऑप्शंस वो जल्दी मिल जाएंगे, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। तो थैंक यू वेरी मच।